यूपी के जौनपुर में आज सीएम योगी और राजनाथ सिंह करेंगे बूथ अध्यक्षों से चुनाव पर चर्चा। मिशन 2022 के लिए जीत का मंत्र देंगे बीजेपी के दिग्गज। बलरामपुर में विपक्ष पर जमकर बरसे योगी, कहा जनप्रतिनिधि भी भस्मासुर की तरह हैं, जो योजना को हड़पने के लिए ताकत लगाते हैं, इसलिए भस्मासुर को पैदा नहीं होने देना है। आज वाराणसी भी जाएंगे सीएम योगी, शाम 4 बजे पहुंचेंगे, विकास कार्यों की करेंगे समीक्षा बैठक, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का भी करेंगे निरीक्षण। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जाएंगे हरदोई, महाराजा सहीय सिंह अल्पवंशी के 15वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में होंगे शामिल, राजभर भी रहेंगे साथ में मौजूद। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की आज प्रतिज्ञा रैली, महोबा महाराजा छत्रसाल स्टेडियम में होगा रैली का आयोजन। सोनिया गांधी की संसदीय क्षेत्र रायबरेली में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी करेंगी दौरा, जिला विकास एवं अनुश्रवण समिति की अध्यक्षता भी करेंगे, आज पहुंचेंगे रायबरेली। यूपी की कानून व्यवस्था की तारीफ करते हुए बोले सीएम योगी, यूपी की कानून व्यवस्था देश के लिए एक नजीर बन रही है। लखनऊ में प्रत्यक्ष कर भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी, कहा यूपी विकास के पथ पर आगे, अगले महीने गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। अयोध्या में आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी, 3915 जोड़ों में से 126 मुस्लिम जोड़ों का निकाह, मुख्यमंत्री ने दिया आशीर्वाद। दिल्ली कुशीनगर के बीच सीधी उड़ान सेवा शुरू, यात्रियों का सांसद विजय दुबे समेत सबने किया स्वागत, सीएम योगी ने ट्वीट कर दी बधाई। लखनऊ में अखिलेश यादव का बीजेपी पर बड़ा हमला, कहा लखनऊ से ही बीजेपी का दरवाजा खुला था, यहीं से बीजेपी का दरवाजा बंद होगा। योगी सरकार का अखिलेश पर तंज, सरकारी संपत्ति बेची जा रही है, बीजेपी के बाबा मुख्यमंत्री कमाल के हैं, जो बाबा को दिख जाएगा वो सब बिक जाएगा। इशारों में चाचा शिवपाल पर अखिलेश ने कसा तंज, कहा एक छोटा दल बचा है उसे भी साथ ले लेंगे। जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास पर सियासी ड्रामा, एसपी नेताओं ने गंगा जल का किया छिड़काव। ओम प्रकाश राजभर का बीजेपी पर तीखा हमला, कहा जब तक बीजेपी की विदाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, यूपी की सियासत से बीजेपी को खदेड़ देंगे। प्रियंका गांधी का प्रयागराज दौरा, गोहरी गांव में हुई सामूहिक हत्या के पीड़ित परिजनों से मिलेंगी प्रियंका। लखनऊ में यूपी कांग्रेस का सदस्यता महाअभियान शुरू, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने की अभियान की शुरुआत, कार्यक्रम में कांग्रेस के कई बड़े नेता रहे मौजूद। सीएम धामी ने अल्मोड़ा को दी 63 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात, संबोधन में कहा उत्तराखंड में तेजी से हो रहा है विकास। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने किया ऐलान, उमा शंकर सिंह बीएसपी के विधानमंडल दल के नेता होंगे। नोएडा के सरकारी स्कूल में बेसिक शिक्षा मंत्री ने बच्चों के साथ खाया मिड डे मील का खाना, पढ़ाई के बारे में भी ली जानकारी। सीएम योगी ने कहा संविधान से ही सबको अधिकार मिले, संविधान में सभी नागरिकों के लिए उच्च कर्तव्य बताए गए हैं। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने फिर उठाया निजी क्षेत्र में आरक्षण का मुद्दा, चुनाव से पहले एसपी बीजेपी से सावधान रहने की अपील की। बंगाल चुनाव के बाद यूपी चुनाव में मौलाना जर्जुस की एंट्री, मुझे बीजेपी के लिए प्रचार करने के लिए कहा गया है, बीजेपी में हम जाएंगे तो मेरी कब्र खुद जाएगी। मौलाना जर्जुस ने बीजेपी पर धमकी देने का लगाया आरोप, कहा अखिलेश राहुल का साथ देने पर जेल भेजने की धमकी दी गई।